क्रिकेट प्रेमियों के साथ ही साथ शाहरुख खान के प्रशंसकों की भी अब नींद उड़ने वाली है, क्योंकि शाहरुख खान आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। आईसीसी ने वनडे विश्व कप ट्रॉफी के साथ बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पहले साझा की और अब एक वीडियो भी शेयर किया है। वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में इतिहास लिखा जाएगा और सपने साकार होंगे। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अक्टूबर से 19 नवंबर तक भारत में होने वाले क्रिकेट विश्व कप ने अभी से खेल प्रेमियों को उत्साही बना रखा है। तैयारियां भी जोरों पर है। होने वाले मैचों की सारणी जारी होने के बाद से मेजबान शहरों में होटलों और फ्लाइट टिकटों के दाम में गजब का उछाल देखने को मिल रहा है। बीते गुरुवार को आईसीसी ने विश्व कप का प्रोमो वीडियो जारी कर दिया है। इसमें ट्रॉफी के साथ बॉलीवुड सुपरस्टार और ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में किंग खान ने अपनी आवाज देकर अपने चाहने वालों की धड़कने और बढ़ा दी है। इस बार विश्व कप का टैगलाइन है भी बहुत रोचक और जोशीला, ऑल इट टेक्स इज जस्ट वन डे, यानी यह सब सिर्फ एक दिन में होता है। वीडियो के अंत में शाहरुख खान इस टैगलाइन को विश्व कप ट्रॉफी को प्रदर्शित करते हुए अपनी दिल फरेब अदा से बोलते हैं। It takes one day. आईसीसी ने 2:13 का यह प्रोमो वीडियो जारी किया। इस वीडियो में पुराने विश्व कप से जुड़ी यादें भी दिखाई गई हैं। पुराने दृश्यों के इस संग्रह में सबसे पहले भारत और दक्षिण अफ्रीका के मैच की एक झलक दिखाई जाती है, जिसमें युजवेंद्र चहल वैन डेर दुसे को आउट कर रहे हैं। धोनी विकेट के पीछे से अपील करते भी नजर आ रहे हैं। इसके बाद विश्व कप 2011 में मैच जीतने के बाद विराट कोहली और युवराज सिंह के जश्न की झलक भी दिखाई जाती है। इसके बाद बाकी टीमों की विश्व कप से जुड़ी झलकियां दिखाई जाती हैं और आखिर में पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी द्वारा 2011 विश्व कप के फाइनल में लगाया गया विजयी छक्का भी दिखाया गया है। इसे देखकर देश एक बार फिर से रोमांच से भरने लगा है। क्रिकेट प्रशंसकों सहित शाहरुख खान के फैन भी इस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं।